झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले जुबानी जंग तेज हो चुके हैं। इस बीच एक अजीब सा बयान सामने आया है झारखंड में असम के सीएम हेमंत बिस्वा सरमा का। जी हाँ, झारखंड चुनाव को मद्देनजर रखते हुए असम के मुख्यमंत्री जिन्हें मिली है जिम्मेदारी चुनावों को लेकर, हेमंत बिस्वा सरमा जो बड़ा बयान देने के लिए हमेशा ही बेझिझक विवादित बयान देने के लिए भी सुर्खियों में रहे, इस बार उनका बयान बहुत ही अटपटा था। उनका कहना था, मैं घुसपैठियों के परिवार में आग लगाने आता हूँ, एक परिवार 20 बच्चे पैदा कर रहा है, आखिर ऐसी बात क्यों कहा, ऐसा क्यों बोल गए हेमंत, आखिर ऐसी बातें उनकी जुबान से निकली कैसे। झारखंड चुनाव प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद चुनावी नतीजों का पक्ष बीजेपी के हित में आएगा या नहीं, ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि इस तरह के बयानों से जनता की नज़र में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो छवि है वो धूमिल भी हो सकती है। झारखंड चुनाव प्रभारी होने के नाते उन पर जिम्मेदारी बढ़ी है, लेकिन ऐसा बयान वो आखिर किस तरह से दे सकते हैं, आखिर किस हक से दे रहे हैं और क्यों आखिर इस तरह के बयान वो गर्मजोशी के साथ दे रहे हैं, किस अहंकार में। झारखंड में अभी भी सत्ता में बैठी है विपक्ष की पार्टी यानी कि झामुमो कांग्रेस राजद की गठबंधन है, ऐसे में बीजेपी को अपनी जगह बनाने के लिए जनता के बीच कड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसे बयान उन मेहनत पर पानी भी फेर सकते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने बयान देते हुए कहा, मैं घुसपैठियों के परिवार में आग लगाने आता हूँ, जबकि मुस्लिम आबादी को लेकर वो ये भी बोले, झारखंड में बढ़ रहे मुस्लिम की आबादी बढ़ती ही जा रही है, मुस्लिमों को यकीनन भारतीय जनता पार्टी के इस तरह के बयान से नफरत तो होगी, जो मुस्लिम झारखंड में भाजपा के हित में खड़े भी होंगे वो भी कदम पीछे कर सकते हैं। ग्राउंड जीरो पर जाकर आम जनता से मुलाकातें कर रहे हेमंत बिस्वा ने ऐसा बयान जो दे दिया है, उनका कहना है, क्या एक परिवार 20 बच्चे पैदा कर रहा है, अगर नहीं कर रहा है तो इसका मतलब बाहर से लोग आ रहे हैं। वह बोले कि हमारी भाजपा सरकार आई तो घुसपैठियों को कानून के जरिए यहां से भगा दिया जाएगा। असम के मुख्यमंत्री ने बीते रोज झारखंड सरकार का एक अंदरूनी पत्र सामने लाकर कहा कि जो ये बताता है कि घुसपैठियों की मदरसे में ट्रेनिंग होती है और उनका आधार कार्ड बनवा दिया जाता है, इस चुनाव के बाद जैसे ही भाजपा सरकार बनेगी संथाल परगना में NRC भी लागू होगी और घुसपैठियों को बाहर भी करेंगे, जैसे हनुमान ने रावण की लंका में आग लगाई ठीक वैसे ही घुसपैठियों के घर में आग लगाएंगे वो, झारखंड को इससे मुक्त कराना है। और भी बोले हेमंत, उन्होंने कहा, हर मुसलमान घुसपैठिया नहीं है, लेकिन यहाँ हर 5 साल में उनकी संख्या कैसे बढ़ सकती है। हेमंत के इस बयान के बाद मुस्लिमों का फोन जरूर खोल उठेगा। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।